अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा व्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। मैं आज आपके सामने चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। मैंने दो आलू लिए हैं, उसको अच्छे से छिल लिए हैं और कट कर लिए हैं हाफ पीसेस में। ये मेरा ऑयल है, हम सफोला का ऑयल यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये मसाला है जो कि मैंने रेडी करके रखा था। मैंने इसकी अलग से एक रेसिपी ब्लॉग में डाली है, आप उस रेसिपी को रिफ़र कर लीजिए कि ये मसाला कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और ये अच्छे गरम मसाले हैं जो कि मैं गरम तेल होने पर डालूंगी। इसमें है ये तेजपत्ता, दालचीनी, जावित्री का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये काली मिर्च है, लौंग है, ठीक है। अभी हम चिकन दो प्याज़ा बना रहे हैं तो उसमें प्याज ज़्यादा पड़ेगी। मैंने चार प्याज लिए हैं, इसको फाइनली चॉप कर लिए हैं। ये हमारा दही है, ये मैंने टमाटर लिए हैं एक, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये हमारा हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये हमारा धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये हमारा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये हमारा एवरेस्ट का मसाला है और ये एंड में धनिया मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। देखिए मैंने टोप लिया है, अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। हमारा टोप अच्छे से हीट हो गया है, ये देखिए मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऑयल डाल दिया है, अब फ्लेम को मैंने फास्ट कर दिया है। ये देखिए छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं ऑयल में। अब मैं इसमें ये खड़े मसाले ऐड करूँगी, ये तेजपत्ता, ये दालचीनी, ये जावित्री का फूल, ये बड़ी इलायची, ये काली मिर्च और लौंग, ठीक है। आपको ये क्रैकलिंग साउंड आ रहा होगा, इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये प्याज ऐड करूँगी और अच्छे से लाल कर लूँगी। इसको हमें एकदम अच्छे से लाल पूरा नहीं करना है, जैसे हम बरिस्ता करते हैं वैसा लाल नहीं करना है, थोड़ा कच्चा पक्का रखना है, ठीक है, क्योंकि हम चिकन दो प्याज़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी, हम खोल के देखते हैं। ये देखिए हमारे प्याज सॉफ्ट हो गई है, हमें लाल नहीं करना है, इसको थोड़ा कच्चा पक्का ही रखना है, एकदम सही है ये। अब मैं इसमें ये टोमेटो डालूँगी, ठीक है। आप चाहिए तो प्यूरी भी करके डाल सकते हैं या फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सी नमक डालूँगी ताकि ये जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। अब इसमें जाएगा ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, इसको अच्छे से हम चला लेंगे इस तरह। ये देखिए हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया है, अभी बबल्स आ रहे हैं, ऑयल पक रहा है अच्छे से। मसाले थोड़े भूनने के बाद हम इसमें हमारे चिकन ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस स्टेज पे मैं अब इसमें चिकन ऐड करूँगी। ताकि ये अच्छे खड़े गरम मसाले के साथ ये अच्छे से भून जाए, ताकि जो इसकी स्मेल वगैरह रहे वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। ये आलू ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए। मैं मेरी सारी रेसिपी में आलू डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में सबको आलू बहुत पसंद है। अब मैं इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट तक पकने दूँगी मीडियम फ्लेम पे।
अब मैं इसको लिड लगा दूंगी। चलिए फिर 5 से 10 मिनट हो गए, ये देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ये मसाला डालूंगी, थोड़ी मुझे और ग्रेवी गाढ़ी चाहिए इसलिए मैं थोड़ा और 1 चम्मच और डालूंगी। ठीक है, ये मसाले का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे मैंने इस मसाले का एक स्पेशल ब्लॉग बनाया था, आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसको अच्छे से पकते देना है, वॉल्यूम थोड़ा मैं फास्ट करूँगी। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, दिख रहे बबल्स। अब इस स्टेज पे मैं दही ऐड करूँगी। ओके, हमारी दही मैंने अच्छे से फेंट के रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसको मसाला और दही हमारा साथ में अच्छे से पकेगा। ठीक है, और इसमें मैं एवरेस्ट का मसाला भी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। ओके, अब मैं इसको कवर करूँगी पकने के लिए। ये मैंने अच्छे से चला दिया है ताकि दही और हमारा मसाला और एवरेस्ट का चिकन मसाला अच्छे से मिक्स होके पक जाए। अब मैं लिड लगा रही हूँ। हमारा ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है चिकन 2 प्याज़ा। मैं आपको बताती हूँ, हमारी थिक ग्रेवी हुई है, ये देखिए दिख रहा है आपको। ये पानी आपको थिकनेस जैसी चाहिए आप वैसा रख सकते हैं, मैं इसमें और पानी नहीं ऐड करूँगी। ठीक है, अब मैं इसमें कोयले का धुआँ दूँगी। चलिए फिर देखते हैं, इसको मैंने बंद किया है, इस गैस पे मैं कोयला रखूँगी। ये देखिए इस तरह अच्छे से उसको पकाना है। इसका जो हम धुआँ देंगे बहुत ही अच्छा आता है खाने में, स्मोकी फ्लेम देता है। ठीक है, ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी, वैसी और एक मैं कर लूंगी। देखिए ये गरम हो गया है, अब मैं इसको भी डाल दूंगी। अब ये टोंग्स के हेल्प से मैं इसमें रखूंगी और ऑयल डालूंगी। ठीक है, अब देखिए और भी ज़्यादा स्मोक आ रहा है और फिर मैं लिड को फटाक से बंद कर दूंगी। वो स्मोकी फ्लेम उस चिकन 2 प्याज़ा में पूरी स्प्रेड हो जाएगी हमारी ग्रेवी ठंड। वाओ कितना अच्छा, पूरे 2 प्याज़ा में उसकी खुशबू फैल गई है। चलिए फिर अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर मैं डिश आउट करती हूँ 2 प्याज़ों को। ठीक है, मैं अब डिश आउट करने जा रही हूँ। आप गर्मा गर्म सर्व करिए, मेहमानों को अपने खिलाइए और ख़ुद भी इंजॉय करिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। खुल जाओ सिम सिम, ये देखिए हमारा फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।